क्योंकि विकास भी हमारे साथ जुड़े हैं कुछ अहम आंकड़ों के साथ। विकास जी, शुक्रिया शरीन। और देखिए, बड़े कई आंकड़े जो है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। आज राष्ट्रपति की मतगणना हो रही है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और वोटों की गिनती लगातार जारी है। पहला रुझान जो है वो अब से कुछ देर में आ जाएगा। थोड़ी देर में ये रुझान आएगा तो आपको स्थिति स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी कि राष्ट्रपति पद की रेस में कौन आगे है। सांसदों के बाद राज्यों के वोटों की गिनती की जाएगी। जो सांसदों का वोट है वो पिंक कलर के वैलेट पेपर का है, जबकि जो विधायकों का वोट है वो हरे रंग के वैलेट पेपर का है। इसके अलावा जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर से राजपथ तक रोड शो करेंगे। राजपथ तक रोड शो क्यों करेंगे? क्योंकि राजपथ से ही सीधा रास्ता राष्ट्रपति भवन के लिए जाता है। तो ये बड़ी बातें जो राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। ये माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति निर्वाचित होना तय है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को 5 बजे के आसपास उनके निर्वाचन की घोषणा के बाद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने, उनको बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंचेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।